आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। जेएनके आईएमपीएआरटी श्रीनगर में जज्बाती बहबूद तनाव के इंतजाम पर 3 रोजा वर्कशॉप का आगाज किया गया। खानसा पंचायत शमसाबाद में खवातीन पर मबनी स्कीमों पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। अदबी मरकज कमराज की सरपरस्ती में कश्मीर बज़्म-ए- अदब संग्रामा सोपुर के अहतमाम और जेके पीपल्स जस्टिस फ्रंट के इश्तराक से हेरिटेज स्कूल हाईगाम सोपुर में सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जेर तमाम जज्बाती बहबूद और तनाव के इंतजाम पर एक 3 रोजा वर्कशॉप का आगाज जेएनके इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में हुआ। वर्कशॉप का इफ्तिताह कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर रश्मि सिंह ने किया। खवातीन को बाख्तियार बनाने के जिली मरकज बडगाम ने आज खान साहब के आंगनवाड़ी सेंटर पंचायत शमसाबाद में खवातीन पर मबनी सरकारी स्कीमों के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक LCMA ने अपनी 124वीं BOCA मीटिंग में 26 मुकदमात की मंजूरी दी। कई गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। इजलास में 33 केसेस का फैसला किया गया, जिनमें से 26 केसेस की मंजूरी दी गई, 3 केसेस मुअख्खर और 4 केसेस मुस्तरद कर दिए गए। दरअसल LCMA के एनफोर्समेंट विंग ने बकरी मोहल्ला अदाल सईदा खदल और सदरबल करीदार के इलाके में मिसमारी मुहिम चलाई, जहां एक दूसरी मंजिला, एक दुकान और टिन वॉलिंग को मिसमार कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक अदबी मरकज कमराज की सरपरस्ती में आज कश्मीर बज़्म-ए- अदब संग्रामा सोपुर के अहतमाम और जेके पीपल्स जस्टिस फ्रंट के इश्तराक से हेरिटेज स्कूल हाईगाम सोपुर में सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की पहले नशस्त की सदारत शहबाज हाथपारी ने की, जबकि मारूफ शायर शहनाज रशीद मेहमान जी वकार की हैसियत से ऐवान में मौजूद थे। अदबी मरकज कमराज के मीडिया सेक्रेटरी जमील अंसारी, मारूफ अदाकार और कलमकार गुलफाम अब्बारजी, DDC संग्रामा इरफान हफीज लोन भी ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा थे। तकरीब के आगाज में कश्मीर बज़्म-ए- अदब संग्रामा के सदर जहूर हाईगामी ने खुतबे इस्तकबालिया पेश किया और कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब पर हबीब हमराज ने कश्मीरी जबान और उसकी अहमियत के हवाले से मुफसल मकाला पेश किया। कॉन्फ्रेंस में मीडिया से वाबस्ता शख्सियात को उनके गरा कदर खिदमात के अतराफ में सईद शुजात बुखारी अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें घड़ियाल न्यूज के नुमाइंदे मुस्तफा जमील, दूरदर्शन न्यूज के रिपोर्टर्स शेख दाऊद और समीउल्ला भी शामिल हैं। इसके अलावा तकरीब पर कश्मीर बज़्म-ए- अदब संग्रामा से वाबस्ता उन शोरा को तौसीफी असनाद पेश किए गए जो साहिब किताब हैं। तकरीब पर स्कूली तलबा ने भी कश्मीरी जबान के तहफ्फुज और तरक्की के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के दूसरी नशस्त में महफिल मुशायरा का भी अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत शहनाज रशीद ने की, जबकि GM माहिर और रमजान जौहर भी ऐवान में मौजूद थे। तकरीब की निजामत के फराइज गुलाल कश्मीरी और खुर्शीद ख्याल ने अंजाम दिए। हाजरा जी,
हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल ने माई कॉलेज माई प्राइड गवर्नमेंट के जेर एहतमाम साइंस नुमाइश प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिग्री कॉलेज सुंबल ने शोभा केमिस्ट्री के इश्तराक से आज एक साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें साइंस के साथ साथ आर्ट्स स्ट्रीम के तलबा ने हिस्सा लिया और अपने मॉडल्स की नुमाइश की। तकरीब का इफ्तिताह प्रिंसिपल मीडियम प्रोफेसर डॉक्टर शबीना इकबाल शाह ने किया और इसमें फैकल्टी मेम्बरान और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक नाइत खाई सोनावारी के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नाइत खाई के इजाफी चार्ज की वजह से दफ्तर में काम मुतासिर हो रहा है। इलाके के लोगों ने जिले इंतजामिया से अपील की है कि नाइत खाई ब्लॉक के लिए एक मुकम्मल बीडीओ का तकर्र किया जाए ताकि महकमा आरडीडी के काम में ताखीर या रुकावट न आए। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक खुफिया इत्तेहाद में है और कुछ नुमाइंदे चाहते हैं कि वो गैर कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करें और गैर कानूनी तामीरात की भी इजाजत दें। मैं से किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारे वालिद साहिबान न मिनिस्टर थे न एमएलए थे, हमारे लिए फैमिली बिजनेस नहीं है, लेकिन हमने पूरी नेक नीति के साथ कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि शहर में बदलाव आए। लेकिन जब जब हमने इस कोशिश में, पहले तो जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे, इमरान साहब और मुझ में जब इत्तेफाक हुआ, जब हम यूनाइट हुए शहर के लिए, शहर के बका के लिए, इमरान साहब भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम यहाँ पर सियासत में कोई एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, कोई मजबूरन नहीं आए हैं, शौकन आए हैं, और जब हम इकट्ठे हुए तब यही तंजीमें निकली, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस निकली, हम में तफरीक उठाने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए और डिवीजन के फ़ायदे उठाए, हर एक किस्म का फ़ायदा उठाया। वो फ़ायदे जो मैं यहाँ पे आपको अगर बता दूँ शायद इनका सियासत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक फिर से एक अरसा गुजरा जब इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस हुई, इनने कॉरपोरेशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उसका फ़ायदा उठाया। डिस्टेबलाइज इसलिए इनने किया क्योंकि इनने उस वक्त बायकॉट किया और जब इनके हाथ से वो शहर का इक्तदार चला गया, इनने कहा अब हम इस शहर में गवर्नेंस चलने नहीं देंगे, हम डिस्टेबलाइज कर देंगे सबको। हमने फिर भी कोशिश की और इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह ताला का एक फ़जल है कि आज हम इकट्ठे हैं। लेकिन आज कुछ रियलिटीज़ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं इमरान साहब तो वक्तन फवक्तन कनेक्टेड रहते हैं, इनने हर एक स्टेटमेंट फैक्चुअली दिया, इनने स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट्स आए उनको भी काउंटर किया। मैं थोड़ा गुरेज इसलिए करता था क्योंकि एक स्टैट्यूटरी पोजीशन पे हूँ,
मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले देखिए जी हमेशा यही चलता रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। आप भी खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजियाब कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, शब बखैर।